वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी, मैं आज दिखाने जा रही हूँ आपको अपने बच्चों के, मैंने कुछ घर के कपड़े लिए थे कुछ टाइम पहले। ईद की शॉपिंग तो हमने की नहीं थी, ये मेरे बच्चों के कुछ दिन पहले के कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा व्लॉग बना दूँ क्योंकि मेरे बच्चों को यूज़ करने होते हैं घर के, गर्मियों के कपड़े हैं। तो मैंने कहा आपको दिखाऊँ कि मैं कहाँ कहाँ से लेती हूँ, एक जगह के तो नहीं है, जहाँ से भी वैरायटी अच्छी मिल रही होती है वहाँ से हम लेते जाते हैं। क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लड़कों के कपड़े बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, इनके साइज़ नहीं मिल रहे होते। अगर अच्छे कपड़े होते हैं तो उनके साइज़ नहीं होते। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी तो कपड़े बच्चों ने यूज़ कर लिए हैं, मुझसे भी लोग बनाया नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ पड़े हुए हैं। ये है कि लोगों को आइडिया हो जाता है कि हमें बच्चों के कपड़े लड़कों के कहाँ से मिलेंगे, तो मैंने इस वजह से मैंने कहा चलो शेयर करते हैं। ये मैंने बच्चा पार्टी से लिए थे शर्ट्स, इनकी बहुत ही अच्छी निकली हैं, बहुत सारी थी, मैंने और भी पहना दी हैं, कुछ पड़ी हुई थी तो मैं वीडियो में शेयर कर रही हूँ। ये मेरे छोटे बेटे की है, ये देखिए कितना प्यारा फैब्रिक है इसका। ये बच्चा पार्टी के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, जो लकी वन में है, मैंने वो उस वाली ब्रांड से ली थी। ये तो शर्ट्स मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, ये मैं चेज़ब से लेकर आई थी। चेज़ब से भी काफ़ी अच्छी मिल जाते हैं घर के पहनने के कपड़े, लेकिन वहाँ पे जाओ तो आपको हर दफ़ा वही पुरानी वैरायटी मिलती है, वो न्यू नहीं लगाते। ये भी जो है मैं आपको दिखा चुकी हूँ। बाकी ये वाली शर्टें हैं मैंने मिनीसो से ली थी, मेरे बड़े बेटे की हैं, अब जो है ना इस्त्री नहीं किए हुए क्योंकि शॉपर में पड़े हुए थे, तो मैंने निकाल के वीडियो बनाई है, तो बैग में नहीं पड़े हुए थे, तो इस वजह से कपड़ों की ये हालत है। तो प्लीज़ कॉमेंट्स में मुझे कुछ भी गलत मत बोलिएगा। ये भी मेरे बच्चे की मैंने वहीं से ली थी, मुझे इसका याद नहीं है मैंने कहाँ से ली, मुझे लगता है ये मैंने किसी जो है चेज़ब से या किसी मॉल से ली है। ये भी कुछ टाइम पहले की है शर्ट, तो इसका फैब्रिक थोड़ा मोटा था तो गर्मियों की वजह से मेरे बेटे ने यूज़ नहीं की। ये भी मैंने मिनीसो से ली थी, शर्टें इस्त्री नहीं है तो इस वजह से इनका बहुत बुरा हाल है, और मुझे ब्लॉग लाजमी बनाना था इस वजह से मैंने इसी हालत में बना दिया। और ये कुछ टी शर्टें थी मेरे छोटे बेटों की, ये भी आप देख सकते हैं इनका फैब्रिक कितना अच्छा है। तो ये भी सारी मैंने बच्चा पार्टी से ली हुई है सारी शर्टें, ये देखें। तो आप अगर लकी वन के करीब रहते हैं तो आपको जो है ना मिल जाएंगी इस तरह के, कभी वैरायटी होती है वैसे कभी नहीं होती। तो मेरी कुछ टाइम पहले की है, ईद से भी एक महीना पहले की है, तो जो है ना तब मुझे मिल गई थी ये वैरायटी। तो ये बहुत अच्छा फैब्रिक है, गर्मियों के हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं, नरम नरम है, और कलर्स भी बहुत मुझे अच्छे मिल गए थे मेरे छोटे बेटे के। तो इस पे ये नेकर हैं, ये देखें, ये भी इनका भी जो है ना फैब्रिक बहुत अच्छा है, नरम सा है, तो इन पे ये मैंने नेकर लिए थे। और भी ट्राउज़र इतने अच्छे थे मैं आपको दिखाती, लेकिन जो है ना मैंने वो यूज़ करवा लिए, मैंने व्लॉग बनाया नहीं, काफ़ी टाइम से कह रही थी बनाऊँ बनाऊँ, क्योंकि देखें मुझे खुद इतना जो है ना मुश्किल होता है कि बच्चों की शॉपिंग कहाँ से करूँ कहाँ से करूँ, तो समझ में नहीं आ रहा होता। तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं वीडियो शेयर कर देती हूँ, अगर किसी को परेशानी है तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। कि ये भी बच्चा पार्टी से ली थी मैंने, ये मेरी पेंट मेरे बेटे की, ये भी बच्चा पार्टी की है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और ये वाली पेंटें जो हैं मेरे बेटे की, ये मैंने जलबेरी से ली थी, उसकी भी काफ़ी सारी जो है ना शर्टें थी, लेकिन मेरे बेटे ने पहन ली है जलबेरी की जो पेंटें हैं, बहुत ही अच्छा फैब्रिक निकला है इनका। मैंने 5-6 पेंटें ली थी लेकिन मेरे बेटे ने यूज़ कर लिए, इनका फैब्रिक मुझे बहुत पसंद आया और रीज़नेबल प्राइस में मिली थी। ये देखें 1400 रुपये की पेंट चेज़ब से भी नहीं मिलती और जलवेरी से मिली है, इनका फैब्रिक बहुत अच्छा निकला है, चेज़ब वालों का इतना अच्छा नहीं होता और बहुत पेंटें महंगी होती हैं, और जलवेरी की जो है ना इतनी प्राइस भी नहीं है, 1400 रुपये की पेंट है और इसका फैब्रिक इतना अच्छा है, तो जलवेरी से आप ज़रूर लें। तो ये कौन सी पेंट है, इसका मैंने स्टिकर जो है ना उतारा हुआ, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से ली, लेकिन मुझे लगता है ये मैंने बच्चा पार्टी से ली थी, तो इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा है। मुझे बच्चा पार्टी से भी काफ़ी अच्छी वैरायटी मिली थी और जो है ना जलबेरी से भी बहुत अच्छी मिली थी, लेकिन मैं गई ऐसे टाइम पे थी जो कि ईद के, रमज़ान की ईद के जो है ना बाद गई थी मैं फ़ौरन, तो उस टाइम पर वैरायटी काफ़ी उनकी ख़त्म हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है दूसरी ईद पर आती हज वाली पर, लेकिन मैंने बीच में ये शॉपिंग की है तो मुझे जो है ना वैरायटी इतनी अच्छी नहीं मिली थी, मैंने घर के पहनने के लिए ले लिए थे, गर्मियों की मुझे शॉपिंग करनी थी बच्चों की, तो जो है ना मैंने सोचा था ईद पे करूंगी, लेकिन मैंने ईद पे नहीं की, वरना मैं इसके साथ आपको ईद की शॉपिंग करती तो वो भी शेयर करती,
तो जो है ना ये मेरे बच्चों की पहले की है, ईद पे हमने शॉपिंग नहीं की तो इस वजह से हम शेयर नहीं कर पाए। चलें तो आपको अगर कपड़े अच्छे लगे हैं बच्चा पार्टी के, जलबेरी के, जेजब के, तो आप ज़रूर विज़िट करें। वैसे तो आप करते ही होंगे, लेकिन जिनको आइडिया नहीं है जिन ब्रांडों का, तो उन पे आप जा सकते हैं। और मुझे भी बताइएगा कि कहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, तो मैं भी अपने बच्चों की वहाँ से करने जाऊँ। तो मुझे अपने कपड़ों के कुछ रिबिन बटन वगैरह लेने हैं, तो हम जा रहे हैं अभी मार्केट, यहाँ पे करीबी मार्केट है मेरे, तो वहीं पे जा रहे हैं हम। तो सही निकालते हैं दुपट्टे के लिए, ज़्यादा चाहिए होगी, कितनी सही निकाल भाई। ब्लैक कलर का दुपट्टा है ना, इसमें हमें ये दिखाएं। चलो ये डिज़ाइन देखते हैं, मुझे इस पर कोई और भी चीज़ बता दें, लेकिन जो है ना ब्लैक ही, इस पर मुझे कुछ बता दें। पूरा तो नहीं काट सकते वरना दुपट्टे की खूबसूरती खराब हो जाएगी। तो अभी रात का खाना बना रही हूँ मैं, बना रही हूँ भिंडी। देखिए मौसम बहुत अच्छा है, वैसे तो मुझे जो है ना मौसम सूरत हाल बताने वाला चाहिए था, लेकिन मैं जो है ना ब्लॉगर बन गई, वैसे मैं असल में सूरत हाल बताने वाली हूँ मौसम। चलें तो जी खाना हो चुका है हमारा तैयार, साथ में गरम गरम रोटियां और मैंने भिंडी में आलू भी मिक्स कर लिए थे। चलें तो जी मुझे दें यहीं पे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।